मैं युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वामदेव जी से अनुरोध करता हूं कि वो आवे और अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर वामदेव जी, परम पूज्य महागुरु अघोरेश्वर महाप्रभु, मंच पर उपस्थित अन गणमान्य जन, उपस्थित माताएं, सज्जन इकट्ठा देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि यहां आकर के हम तमाम अच्छे विचारों को सुनते हैं और यहां अपने विचारों में परिवर्तन के लिए काफी साधन मौजूद हैं, उनके माध्यम से भी हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हर जगह इस परिसर में जहां भी नजर जाए देखें तो वहां भी संभावना है अपने विचारों में परिवर्तन लाने की। दूसरा नंबर पर एक वाणी लिखी हुई है, एक धर्म पालन करने के लिए लिखा हुआ है कि मैं यह व्रत धारण करता हूं कि नशाखोरी नहीं करूंगा, शराब एवं अन्य मादक द्रव्यों के सेवन से विरत रहूंगा। इस तरह से कर 10 व्रत दिए गए हैं और नीचे लिखा हुआ है कि यदि इन व्रतों का मुझसे मैं उल्लंघन करूं तो घोर नरक भोगूं और बार बार स्वान के जोन में जन्म लूं। तो बड़ा कठिन लगता है। मैं भी जब विचार करता हूं कि आज जो लोग उद्योग में हों या नौकरी में हों, वैज्ञानिक हों, शिक्षक हों, अगर शराब पी रहे हैं तो बड़ा विचित्र जीवन होगा। कुत्ते की जोनी में जन्म लेंगे, स्वान की जोनी में जन्म लेंगे, तो बड़ा दुख होता है यह जान करके कि हम लोग के पास जो हैं अग्रणी हैं, जिनके हाथ में व्यवस्था है, वह वैसा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। आज पर्यावरण के बारे में भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको भी हम लोग स्वस्थ रखें, क्योंकि वह नहीं रहेगा तो हम लोगों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा इस धरती पर। अब वैज्ञानिक भविष्यवाणियां भी खरी नहीं उतर रही हैं। अगर कोई कह रहा है कि बारिश नहीं होगी तो बेतहाशा बारिश हो जा रही है, कोई कह रहा है गर्मी पड़ेगी तो बर्फ जमने लग रही है। उनको यदि हम दिल से अंगीकार करते हैं तो एक उत्कृष्ट मानव बन जाएंगे। ऐसे ही अग्रेश्वर महाप्रभु ने अपनी वाणी में कहा है कि मेरे शिष्य साधारण लोगों से 10 गुना अधिक होते हैं, लेकिन जो शिष्य यदि उन वाणियों पर चल जाएंगे वो कितने गुना आगे हो जाएंगे उन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रातः स्मरणीय अग्रेश्वर महाप्रभु, पूज्य बाबा जी, मंचस्थ अतिथिगण, सर्वश्री समूह के की माताएं और भक्तगण, आज इस पर्व पर हम लोग उपस्थित हैं। एक तरफ वह कष्ट पीड़ा है कि हम समाज में कैसे रहें, हर व्यक्ति परेशान है, वह कहीं न कहीं अपने उन दिए हुए बुजुर्गों और जो हमारे बीच आज नहीं है उनकी वाणियों, उनके विचारों, उनकी भावनाओं की हम लोग अनदेखी कर रहे हैं और उसी अनदेखी का परिणाम है कि हम
परेशान है। यदि हम आज के दिन अग्रेश्वर महाप्रभु की वाणियों विचारों को यदि आत्मसात करके और चिंतन करें तो निश्चित है कि जो पीड़ा जो कष्ट आज हमारे अंदर है वह मूल रूप से समाप्त हो जाएगा। आज हमारे ऊपर इस राष्ट्र का ऋण है, मातृ पितृ गुरु ऋण से बढ़कर कहीं यह राष्ट्र ऋण भी है। जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, यहां स्वच्छंद भ्रमण कर रहे हैं, यहां की वायु जल को ग्रहण कर रहे हैं, अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, हो कि शिक्षा वह नहीं रह गई केवल शिक्षा आज एक अंक सूची या सर्टिफिकेट की हो गई। यदि हम अपने अंदर चरित्र का जो पतन हो रहा है यदि उसको हम रोकें और अग्रेश्वर महाप्रभु के दिए गए जो आशीर्वचन है जो समाज में बहुत कुरीतियां व्याप्त हैं आप सभी लोग उससे अवगत हैं, लेकिन उन कुरीतियों को हम केवल पूज्य गुरुदेव के यदि आशीर्वचनों को सुन करके और अपने अंदर यदि हम परिवर्तन करते चलें तो धीरे धीरे कुरीतियां हमसे दूर होती चली जाएंगी। पूज्य गुरुदेव के समय समय पर हमें जो आशीर्वचन मिलते हैं, जो उपदेश मिलते हैं, जो दिशा निर्देश मिलते हैं, उसका ही केवल हम पालन करें तो हम समझते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी इस ब्रह्मांड की जो सुलभ न हो जाए। तो आज हम लोग जो भी यहां पे पूज्य गुरुदेव के जो आशीर्वचन है उनको आत्मसात करके अपने अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे, इसका आज हम लोग एक शपथ यहां से लेकर जाएंगे और उसे अंगीकार भी करेंगे। मैं इन्हीं वाणियों के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणियों को विराम देता हूं। जय मां सर्वेश्वरी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु, परम पूज्य गुरुपद बाबा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंचस्थ विशिष्टगण, आदरणीय धर्म बंधुओं, आदरणीय माताएं एवं प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में राजाओं का प्रमुख धर्म होता था राजधर्म, जिसमें राजनीति एवं धर्म का समन्वय होता था और उस समन्वय के आधार पर हमारे बहुत से राजा हुए जिन्हें आज भी बड़े सम्मान के साथ हमारी जनता अपने स्मृतियों में सजोए हुए हो है, चाहे भगवान श्री राम रहे हों, सम्राट विक्रमादित्य रहे हों, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद सम्राट अशोक रहे हों, ऐसे न जाने कितने ही अच्छे राजाओं की ये भूमि भी रही है। जैसे बहुत अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए वैसे ही बहुत ही अच्छे राजाओं की भी ये धर्म भूमि रही है, परंतु वर्तमान में दुर्भाग्य से राजनीति से धर्म बिल्कुल अलग हो चुका है। इतिहास
एवं वर्तमान में बहुत ही उपेक्षित रहे एक महापुरुष का और मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने दलितों के लिए अपना अपने सारे खजाने को अपना सारा सर्वस्व दान किया, वो महापुरुष थे महाराज गायकवाड़, महाराज बड़ौदा, जिन्होंने कभी दलितों के लिए उपेक्षितों के लिए अपना सारा खजाना खोल दिया, सारे खजाने को दान कर दिया। उसी क्रम में उन्होंने हमारे आदरणीय संविधान निर्माता स्वर्गीय बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ाने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में भेजा और उनका पूरा खर्च उन्होंने उठाया। वो कहते हैं हमारी दुर्बलता को समझकर और हम पर जाल फेंककर पश्चिमी देश के लोगों ने हमें झुंड का झुंड फंसाया है। पश्चिमी जाल में मछलियों की तरह झुंड के झुंड फंसकर हम तड़पड़ा रहे हैं। जाति धर्म कुटुंब बंधु बांधव घर नगर गांव तथा पुत्र पौत्र आदि अनेकानेक बंधनों में पड़कर हम कुंठित हो चुके हैं और उस जाल से मुक्ति पाने में असमर्थ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते थे। एक दूसरे के पश्चिमी अमेरिका में भेजा और उनका पूरा खर्च उन्होंने उठाया। वो कहते हैं हमारी दुर्बलता को समझकर और हम पर जाल फेंककर पश्चिमी देश के लोगों ने हमें झुंड का झुंड फंसाया है। पश्चिमी जाल में मछलियों की तरह झुंड के झुंड फंसकर हम तड़पड़ा रहे हैं। जाति धर्म कुटुंब बंधु बांधव घर नगर गांव तथा पुत्र पौत्र आदि अनेकानेक बंधनों में पड़कर हम कुंठित हो चुके हैं और उस जाल से मुक्ति पाने में असमर्थ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते थे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और मैत्री का उनमें भाव था। एक दूसरे के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की भावना रहती थी और राष्ट्र तथा समाज के लिए सामूहिक रूप से बलिदान देने के